गाइज आईपीएल 2020 तो फाइनल शुरू हो चुका है और दोस्तों जैसे कि आपको पता है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम का जो मैच है वो 22 तारीख को है। जी हाँ दोस्तों, लेट मैचेस है राजस्थान रॉयल्स की टीम का और राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच है आरआर वर्सेस सीएसके, वो 22 तारीख को है। लेकिन दोस्तों आरआर की टीम ने अपना इंट्रा स्क्वाड एक मैच खेला है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने स्क्वाड में दो टीमें बनाकर एक प्रैक्टिस मैच खेला है। तो दोस्तों उस मैच में काफ़ी स्पेशल प्रदर्शन किया है खिलाड़ियों ने, तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं हम यहाँ पर प्रैक्टिस मैच की। तो दोस्तों आरआर की टीम ने दो टीम बनाई थी, एक टीम का नाम था टीम संजू, दूसरी टीम थी टीम रॉबिन। तो बात करते हैं हम सबसे पहले टीम संजू की। तो उसमें थे संजू सैमसन, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, मनन वोहरा, अनुज रावत, डेविड मिलर, अंकित राजपूत और वरुण एरन एंड आकाश सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये प्लेयर थे टीम संजू में। वहीं बात करते हैं हम टीम रॉबिन में, तो वहाँ थे रॉबिन उथप्पा, कार्तिक त्यागी, मयंक मार्कंडे, महिपाल लोमरो, शशांक सिंह, जयदेव उनादकट, अनिरुद्ध जस्सी, राहुल तेवतिया और यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों टॉस जीता रॉबिन उथप्पा ने और उन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया। तो टीम संजू ने बैटिंग करते हुए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन किया। खुद संजू सैमसन एक बहुत ही लाजवाब इनिंग खेली थी दोस्तों, उन्होंने 47 गेंदों में 77 रन की इनिंग खेली थी, वो बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी। बहुत ही बढ़िया छक्के चौके उन्होंने मारे थे और दोस्तों इससे हम यहाँ पर आशा रखते हैं कि वो आईपीएल शुरू होने पर भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करें। वहीं दोस्तों बात करें दूसरे प्लेयर की, तो वहाँ पर टीम संजू में से रियान पराग ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया था दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में 48 रनों की एक बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी दोस्तों। रियान पराग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए, स्पेशली मिडल ऑर्डर में, लोअर मिडल ऑर्डर में, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है और इनका फॉर्म में रहना आरआर की टीम के लिए बहुत बढ़िया बात है। वहीं बात करें दूसरे प्लेयर की, तो बात करते हैं हम अंकित राजपूत की। तो अंकित राजपूत ने भी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है दोस्तों, उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे और अंकित राजपूत भी एक बढ़िया गेंदबाज है दोस्तों, इनको भी टीम में जगह मिल सकती है जयदेव उनादकट के साथ दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया अंडररेटेड प्लेयर है अंकित राजपूत भी। वहीं बात करें एक और प्लेयर की, तो आकाश सिंह ने एक बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दी है दोस्तों इन्होंने अपने 4 ओवर का स्पेल डाला है और दोस्तों उन्होंने सिर्फ 24 रन दिए और दोस्तों उन्होंने एक बढ़िया विकेट भी ली थी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बॉलर है, काफ़ी बढ़िया तेज गेंदबाज है, होपफुली आरआर की टीम इनको खेलने का मौका दे और हम तो ऐसी आशा रखते हैं कि ये बढ़िया प्रदर्शन करें। तो दोस्तों टीम संजू ने 20 ओवर में 171 रन बनाए थे। फिर बाद में यहाँ पर टीम रॉबिन आई थी बैटिंग करने और टीम रॉबिन की तरफ से राहुल तेवतिया ने एक बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली थी दोस्तों, उन्होंने सिर्फ 19 गेंदों में 34 रन बनाए थे और काफ़ी बढ़िया ये प्रदर्शन किए थे और गाइस बहुत ही तगड़े प्लेयर है, ये भी बहुत बढ़िया बैटिंग कर सकता है। वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने फिर दोबारा बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों इन्होंने 32 गेंदों में 53 रन की एक बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली है दोस्तों। ये प्लेयर बहुत ही बढ़िया है, काफी ज्यादा ये टैलेंटेड प्लेयर है और आरआर की टीम ने एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर को ऑक्शन में खरीदा है और होपफुली ये मेरे ख्याल में आईपीएल 2020 में जॉस बटलर के साथ ओपनिंग करते हुए आरआर की टीम के लिए अच्छी शुरुआत करेंगे और बहुत बढ़िया रन बनाएंगे। वहीं दोस्तों टीम रॉबिन की तरफ से जयदेव उनादकट ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। जी हाँ दोस्तों, जयदेव उनादकट ने भी 2 विकेटें लिए हैं दोस्तों। बात करें हम जयदेव उनादकट की, तो दोस्तों यूएई की पिचों से इनको काफ़ी मदद मिलने वाली है, तो होपफुली जयदेव उनादकट इस साल बढ़िया प्रदर्शन करे क्योंकि पिछले 2 सालों से इनका प्रदर्शन कोई इतना अच्छा आया नहीं है, बहुत खराब प्रदर्शन रहा है आईपीएल में। लेकिन होपफुली यूएई की पिचों से मदद मिलने की वजह से मेरे ख्याल में ये इस साल बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और ये खुद को भी प्रूव करना चाहिए कि ये किस लेवल के क्रिकेटर है। वहीं बात करें हम एक और की, तो वहां पर नाम आता है मयंक मार्कंडे। जी हां दोस्तों, मयंक मार्कंडे भी एक बहुत ही तगड़े स्पिनर हम सभी जानते हैं दोस्तों, इन्होंने भी इस मैच में 2 विकेट लिए थे। जी हां दोस्तों, मयंक मार्कंडे एक बहुत ही बढ़िया फिरकी गेंदबाज है दोस्तों। श्रेयस गोपाल के साथ अगर इनकी जोड़ी कहीं चल गई तो दोस्तों दूसरी टीम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ से मयंक मार्कंडे, एक तरफ से श्रेयस गोपाल, दोस्तों गजब की इनकी स्पिन लाइनअप हो जाने वाली है दोस्तों। दोनों ही अच्छे लय में लग रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में लग रहे हैं। होपफुली राजस्थान रॉयल्स की टीम इनको भी मौका तो देगी मेरे ख्याल में, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली पीछे होती है तो वहाँ पर स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाया जाता है प्लेइंग 11 में। तो दोस्तों आरआर की टीम के लिए एक और बढ़िया बात है कि उनके जो विदेशी खिलाड़ी वो ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं और दोस्तों जो इनके विदेशी खिलाड़ी आए हैं जैसे बटलर हो गए, आर्चर हो गए, स्मिथ हो गए, तो ये बढ़िया ठीक ठाक टच में लगे थे और बटलर तो काफ़ी बढ़िया फॉर्म है, आर्चर भी बढ़िया फॉर्म है। बात करें हम स्टीव स्मिथ की, तो दोस्तों इन्होंने 3
T20 मैचेस खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन उतनी अच्छी लय में नहीं लगे थे। और दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद क्रिकेट खेली है, इस वजह से नॉर्मली होता है, लेकिन दोस्तों IPL में 2-3 मैचेस के बाद आप ये लय में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर IPL 2020 में राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस करने वाला है, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।